हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की फिजिक्स की एक बहुत ही अच्छी वीडियो। इस वीडियो में आज मैं आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ चैप्टर 8 के, यानी फिजिक्स 12th क्लास के चैप्टर 8 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इन्हीं क्वेश्चनों को यदि आप याद करते हो तो बोर्ड में एक चॉइस वाला क्वेश्चन भी आप छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि यदि 8 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में तो वो इन्हीं में क्वेश्चनों में से आएगा। तो मैंने 8वें चैप्टर, एक तो वैसे ही छोटा सा है, तो इसमें से मैंने 5 क्वेश्चन निकाले, चाहे वो शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, इन्हीं में से आएगा, अदरवाइज इनसे कोई बाहर आएगा नहीं। तो आपको इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन है आपका मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है। तरंग सिद्धांत क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका विस्थापन धारा की परिभाषा, विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए, ठीक है। लिखना चाहो तो इसमें इसका मात्रक भी लिख सकते हो और इसका विमा भी लिख सकते हो, इसका आपका सूत्र भी लिख सकते हो, ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, ठीक है। इसमें आप मात्रक और विमा भी लिखो, इसकी क्या लिखनी, मात्रक और विमा भी लिख लेना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है मैक्सवेल के समीकरण बताइए, मैक्सवेल के समीकरण लिखिए तथा उन्हें समझाइए, तथा उन्हें समझेंगे, ठीक है। और पांचवा जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके गुणों की व्याख्या कीजिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके गुणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं। आपके 5 क्वेश्चन में आपको फिर से रिपीट करा दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक भी लिखिए और इसका विमा भी लिखिए, इसका सूत्र भी लिख देना आप, ठीक है। क्या लिख देना, ये सूत्र भी लिख देना, सूत्र मात्रक और विमा भी लिखनी है आपको, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ये भी बात बतानी है आपको। ये दो क्वेश्चन आप ऐसा समझ लिए कि ये दोनों क्वेश्चन कैसे हैं आपके, लॉन्ग हैं। मैक्सवेल के समीकरण लिखे, 4 मैक्सवेल की समीकरण है, उनको लिखना है, उनकी परिभाषा भी लिखनी है, उनका समझाना है। समझाने का मतलब यही है कि उनका लिखना है आपको, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा टिप्पणी टाइप की लिख देना, तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है।
आपका क्या है, आपको पेपर में यदि इतना आता है कि मैक्सवेल की चार समीकरण के बारे में लिखिए, यदि लॉग में आता है उसी तरीके से लिखना है, उत्तर उसी तरीके से देना है। मान लीजिए 2 नंबर में आए तो नाम नाम लिख दीजिए, यदि 4 नंबर में आए तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनके गुणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यदि क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, तो इनके बारे में केवल परिभाषा लिखनी है। यदि ऐसे पूरा आ जाए तो फिर आपको गुणों की भी व्याख्या करनी है, गुण कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं 8 चैप्टर के। और इस वाले, मुझे लगता है कि इस वाली जो किताब में आपके 8 ही चैप्टर हैं, 8 के बाद में सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो सेकंड पार्ट का जो है लाइट के एक साथ में क्वेश्चन बता दूंगा सारे के सारे, और लाइट के डेरिवेशन के कुछ हमने वीडियो बना रखी है और बाकी कुछ हम बना देंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। पेपर का चॉइस वाला क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा मेरे नोट्सों से, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चनों को रिविजन करते रहना है। ठीक है, आप चाहो कि इनकी एक साथ वीडियो बनाई जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए इनकी अलग अलग एक एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो मैंने बना रखी है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। फिजिक्स पार्ट 1 की प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल्स की मैंने सीरीज चला दी है, न्यूमेरिकल्स वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना, दूसरी वीडियो में आपका आने वाली है, अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी, तो उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, तो आपको इनका क्या कर लेना, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आपको मैथ के और हिंदी इंग्लिश की भी मैं अब वीडियो देने वाला हूँ रेगुलर रेगुलर। ठीक है, तो आपको बस क्या है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए।